बाघ आया जिसने ब्रोनो पे वार किया और ये देखो भाई पूरे दांत छुपा रखे हैं इस पे। भाई साहब यहाँ पे दांत छुपा रखा भाई। सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। को ना दवाई से बहुत नफरत है भाई, दवाई लगाने ही नहीं दे रहा और शायद उस पे ना जलन पड़ रही है जिसकी वजह से भाग रहे हो। ताई जी का हाथ कैसा है, अब ठीक हो गया? पता ही नहीं लगा कि कब कब ये सब हुआ और मैंने फोन जेब पे रख दिया था। तो काल तो भौंक भी रहा है भाई, और पूंछ को भाई नीचे कर रखी है, इसका मतलब बाघ अभी इधर साइड है भाई। मैंने रक्षाबंधन के लिए दीदी के लिए गिफ्ट जो ले रखा है वो ये गिफ्ट ले रखा है। उस टाइम ना कलेजा ऐसा लग रहे थे कि पता नहीं क्या किसी ने कलेजे के ऊपर रख दिया है। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव चा गांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी आज का जो मौसम है वो हर दिन की तरह भाई बारिश वाला मौसम हो रखा है, आसमान में पूरे काले घने बादल छा रखे हैं और रात भर शायद हल्की हल्की बारिश लगी रही जिसकी वजह से यहाँ देखो भाई गीला हो रखा है। बाकी कल है 15 अगस्त, तो सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाकी इस दिन पे ना हमको आज के दिन पे नींद नहीं आती थी, 15 अगस्त जब होता था या 26 जनवरी होती थी तो उसके एक पहले ना हमको नींद नहीं आती थी भाई कि कल हमारा प्रोग्राम है स्कूल में। अब तो स्कूल में बच्चे ही नहीं है, पहले तो हमारे टाइम पे बहुत बच्चे रहते थे स्कूल में और हमारे टाइम में ना उनका जो महत्व तो होता था ना वो इसी टाइम होता था भाई जब स्कूल में प्रोग्राम होते थे। और आजकल के बच्चे आप देख रहे होंगे कि रील्स बनाने के लिए स्कूल में फोन ले जा रहे हैं, फ्री फायर खेलने के लिए स्कूल में फोन ले जा रहे हैं, तो उनकी भी क्या गलती है भाई, जनरेशन ही कुछ ऐसी है कि क्या ही बोले। और हमारे टाइम पे जो फोन होते थे वो बटन वाले फोन होते थे भाई, मतलब जब हमने 12th पास किया उसके बाद टच वाले फोन आए थे भाई। ओ मेरी माटी ओ मेरू पानी हे माँ। बाकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी लगा दिया भाई और ब्रेकफास्ट में काफी दिन बाद आज मेरी फेवरेट सब्जी बन रखी है, आलू और बड़ी की सब्जी। और मेरी दादी परेशान हो रखी है भाई कि धूप नहीं लग रही, पहले बारिश नहीं लग रही थी और जैसी हल्की बूंदाबांदी होती थी ना तो मम्मी बोलती थी कि बारिश लगने वाली है, फिर दादी भयंकर गुस्सा हो जाती थी कि जब तक बोल के बारिश नहीं लग रही तब तक तो पहले ही बोल देती है कि बारिश लगने वाली है, तो ऐसा नहीं बोलते बल फिर बारिश नहीं आती बल। और अब दादी परेशान है कि धूप नहीं लग रही। यही कपड़े पहन रखे सब की दादी इन्हें होली जो कपड़ा बहुत कम बदलने होली। तो भाई ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और तब तक देखो भाई ताई जी भी आ चुकी है। और ताई जी का हाथ कैसा है, अब ठीक हो गया? ये क्या होने बड़ी क्या? तो अब ताई जी का हाथ सही हो गया भाई, मैंने बताया था कुछ दिन पहले, पहले मम्मी के हाथ पे मधुमक्खी ने काटा था और फिर हाथ सही हुआ था मम्मी का और फिर ताई जी का हाथ भी मधुमक्खी ने काटा था भाई और मम्मी ने धोखा दे दिया। जिस दिन मम्मी का हाथ मधुमक्खी ने काटा उस दिन तो ताई जी आटा गूंदने आई और जिस दिन ताई जी का हाथ मधुमक्खी ने काटा उस दिन मम्मी गई नहीं भाई आटा गूंदने। एक कमेंट आ रखा था कि रघुवीर सिंह राणा जी का घर कौन सा है, वो हमारे टीचर थे रजखेत स्कूल में। तो भैया की मम्मी है भाई ताई जी और घर उनका ये वाला है भाई, जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा रिद्धि के पापा मतलब हमारे भैया हैं और भाभी भी देखे होगी ब्लॉग में। पर तुम सुनना पाए मेरी बात, ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। तो भाई जब तक रोड में आया तब तक आशी भी आ गया था भाई, आशी कॉल मेरे को कल रात को आई थी ना, कल रात को इसने मेरे को कॉल की थी कि तुम मेरे को कहाँ तक ले जाओगे कि तो ये जो जा रहा है ये जा रहा है नैत्री मार्केट अपना आधार कार्ड सही करवाने। और मैंने इसको बोला कि मैंने कहा अन्नू को एक बार कॉल कर ले मैंने कहा, क्योंकि उसकी स्कूटी लेके हम जा रहे हैं मैंने कहा, तो उससे पूछना मैंने कहा कि ये ले जाएगा तो मेरे को कि नहीं ले जाएगा। तो गाइस दिन के बज रहे हैं 1:30, तो हमारा चल रहा है लंच टाइम। तो कल है 15 अगस्त और अनिल भाई ने जाना है नैत्री। अनिल भाई ने सुबह मेरे को बोला कि नैत्री जाना है आज, तो अनिल भाई के जो भाई है ना उनकी बेटी, तो उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। तो अभी प्लान बना कि ऊपर जाना है और आज क्या है कि बुधवार भी है और बुधवार को नैत्री का मार्केट बंद रहता है,
तो फिर मैंने रज्जू कॉल की, रज्जू ने बताया कि कुछ कुछ दुकानें खुली है, तुम आ जाओ ऊपर। तो फटाफट से चलते हैं, अनिल भाई कार लेके आ रहे हैं और अनु यहाँ पे बैठ रखा है भाई, ये देखो। और सुबह आसी गया और रज्जू भी उधर ही है भाई, रज्जू ने भी आज घर आना है और आसी भी उधर ही जा रखा है। और मैंने बताया था कि हमारा एक दोस्त है सूरज, तो उसके पेपर चल रहे हैं वहाँ, तो सुबह मैंने उससे बात की थी जब अनिल भाई ने मेरे को बोला था कि ऊपर जाना है कि मार्केट, तो फिर वो भी बोल रहा था कि 2 बजे मेरे पेपर छूट जाएगा तो तुम आ जाना, मतलब ना। इस टाइम का जो मौसम है वो देखो भाई, मस्त हो रखा है, हल्के से बादल आसमान में लग रखे हैं और हल्की सी धूप भी लग रखी है भाई। गाए हम से नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी। तो गाइस बौराड़ी पहुंचने ही वाले थे और नीचे तो भयंकर वाली धूप लग रखी थी भाई, और यहाँ देखो भाई, यहाँ शायद थोड़ी देर पहले बारिश हुई होगी, पूरी रोड गीली हो रखी है भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं बौराड़ी मार्केट में, बाकी हम आए हैं गाड़ी पार्क करने इधर भाई, तो इधर जो है वो सब्जी मंडी लगती है भाई इधर, और वहाँ पे लगा रहे थे हम जहाँ पे साई चौक है, तो वहाँ पे जैसी गाड़ी लगाई और फिर पुलिस वाला आ गया था भाई पीछे से, यहाँ से हटाओ की, तो फिर इधर लाए और इधर साइड जगह भी नहीं थी, बाकी फटाफट से सामान लेने चलते हैं भाई। अनिल भाई ने सामान लेना है और कल अन्नू भी ना 15 अगस्त में प्रोग्राम देखने जाएगा, तो अन्नू के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं भाई। अनिल भाई क्या क्या लेना है अन्नू के लिए? काजल, लिपस्टिक। तो फटाफट चलते हुए अन्नू के लिए, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो गाइस कवर्ड मार्केट में आए थे और बबली भी आ गई है भाई, बबली का भी पेपर था भाई, और आसी भी आ गया भाई, आसी भी मिल चुका है हमको। मैं से इधर मार्केट बंद रहता है, बाकी भैया लोग बोल रहे हैं कि आज हमने अपनी तरफ से मार्केट खोला, कल है 15 अगस्त तो जिसकी वजह से आज मार्केट खुला इधर का। बाकी मैंने बताया था कि आसी जो आ रखा है वो आधार कार्ड करेक्शन करने आ रखा है, हो गया रे, और इसका पेपर था भाई आज, हो गया पेपर भी, अभी घर में ही है तू, क्या हुआ? अच्छा कब जाएगी मैंने काम नीचे? अच्छा तो इसके पेपर चल रहे हैं भाई, जो कि बीए के पेपर चल रहे हैं, यहीं ऊपर पीजी कॉलेज में इसके पेपर चल रहे हैं, तो अभी इसके शायद कुछ और पेपर बचे हैं, तो रक्षाबंधन होके भी जाएगी और पेपर देके जाएगी भाई। ये जो करती है वो भानी वाला जॉब करती है भाई। गाइस अनिल भाई ने कुछ सामान तो ले लिया है, बाकी अनु के लिए हम कुछ सामान ले रहे थे, बट अनु को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा भाई, वो दुपट्टा लेना है कल के लिए, कुर्ती वो भी देख रहे भाई नीचे से, वो क्या बोलते वो रिबन, तब अनु करेगा कल डांस देश रंगीला में। तो गाइस अनिल भाई लोगों ने भी सामान ले लिया है, बाकी मैंने बताया था कि रक्षाबंधन के लिए मुझे भी कुछ लेना है, तो दीदी के लिए गिफ्ट भी ले लिया भाई, वो भी पैक करवा लिया है। बाकी अनिल भाई अभी बोल रहे हैं कि ऊपर जाना है नाइट्री, अनिल भाई का कुछ सामान था जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है और अब ऊपर जाना पड़ेगा भाई नाइट्री मार्केट। तो गाइस अभी आए थे सब्जी मंडी वाले रोड पे, बिकॉज जो सामान नीचे नहीं मिल रहा था अनिल भाई का वो इधर ढूंढने आए, बट इधर भी नहीं मिल रहा है भाई, और अब हम जा रहे हैं ऊपर नाइट्री मार्केट, तो वहाँ देखते भाई वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता। करे जो मन मानी मन ना माने, मिली जो ये जो याद मिलके बाटे तेरे नाम। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल वाले रोड पे, और हॉस्पिटल जो है ना टीरी का वो इधर ही है भाई। तो ये है भाई नाइट्री का पीजी कॉलेज, जहाँ की सूरज और बबली दोनों पेपर देने आए थे भाई, रेगुलर और प्राइवेट एग्जाम दोनों इधर चल रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं भाई ऊपर मार्केट में, और 3 बज चुके हैं, बाकी हम सर से बिना बताए आ रखे हैं भाई आज, और सर को कॉल भी की थी बट वो कॉल पिक नहीं कर रहे भाई, तो अब थोड़ी देर में कर ही लेंगे, बिकॉज हमारा जो लंच टाइम चलता है वो चलता है 2:40 तक, और 3 बज चुके हैं भाई, अभी तक शायद उनको पता नहीं लगा कि वो बोल हो रखे बोल के यहाँ से। तो गाइस नाइट्री मार्केट में पहुंचे थे और यहाँ आके भाई हमारे साथ मोई मोई हो गया। इधर पूरा मार्केट बंद हो रखा है भाई, हमने सोचा कि जैसे बौराड़ी मार्केट खुल रखा है ना तो वैसे ही इधर खुला होगा, बाकी अब हम जा रहे हैं भाई वापस ड्यूटी पे, और नीचे पे आसी और बबली दोनों खड़े हो रखे, शायद अभी भी उनको बस नहीं मिली है, तो एक बार उनको कॉल कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारे साथ चलेंगे भाई नीचे खांड खाला तक। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बौराड़ी के गणेश चौक में, और अनिल भाई लोग दोबारा से चले गए भाई ऊपर कवर्ड मार्केट में, बोल रहे हैं कि जो भी अब मिलेगा ना वही लेके जाना पड़ेगा। मैंने बताया था अनिल भाई अपने भाई की बेटी के लिए कुछ सामान लेने जा रखे हैं, कल उनके स्कूल में प्रोग्राम होगा तो उसी के लिए कुछ सामान लेने जा रखे हैं, और मैंने बताया था कि आसी और बबली यहाँ पे वेट कर रहे थे गाड़ी का गाँव जाने के लिए, बट हमने बोला कि हमारे साथ चलो भाई, तो ये आ चुके हैं और अब हमारे साथ जाएंगे भाई खांड खाला तक। नहीं मिली बस,
संडा पर कोई बस ही नहीं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं खांडखाला में और आसी और बबली यहाँ से जाएंगे घर। तो गाइस हमारे आगे देखो भाई एक बाइक वाला जा रहा है जिसका रेन कोट पहन रखा है भाई। यार रेन कोट की हालत देखो यार। वाओ अन्नू की हालत भी ऐसी हो रही थी ना परसों जिस दिन हम दिवलसार जा रहे थे। चूहा बना रखा था भाई और हमारे सर बोल रहे थे अन्नू के लिए कि गुब्बारा आ रहा है पीछे से। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में और शाम के बज रहे हैं 7:30। तो आज थोड़ी लेट हो गई थी भाई घर आने में बिकॉज रज्जू मिल गया था रास्ते में और फिर मैंने बाल भी कटवाने थे। तो आज आपने ब्लॉग में देखा होगा कि हम सडन ही गए थे ऊपर नाइट्री मार्केट। जैसे ही ऑफिस में पहुंचे तो अनिल भाई ने बोला कि नाइट्री मार्केट जाना है। तो वैसे हमने 18 तारीख को जाना था रक्षाबंधन के लिए दीदी के लिए गिफ्ट लेने। बाकी मैंने सोचा कि आज जब अनिल भाई जा ही रहा है तो फिर बार बार क्या जाना ऊपर ना, तो आज ही ऊपर मार्केट चले जाते हैं और दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। तो मैंने रक्षाबंधन के लिए दीदी के लिए गिफ्ट जो ले रखा है वो ये गिफ्ट ले रखा है भाई। और गेस करना कि इसके अंदर क्या हो सकता है। अभी रक्षाबंधन के लिए 4 दिन बाकी है। 19 तारीख को रक्षाबंधन आ रहा है और 17 तारीख को दीदी आएगी। तो फटाफट से घूमने चलते हैं भाई। सानू भाई की कॉल भी आई थी कि फटाफट आ जा कल के बारे में डिस्कस करनी है कि कल प्रोग्राम देखने कहाँ जाना है। की तो गाइस फाइनली घूम के आ चुका हूँ घर पे। बाकी मैं गया था आगे टेलर के पास कुछ टाइम पहले। आपने देखा होगा कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो कुछ कपड़े मंगाए थे जिसकी फिटिंग करना बाकी था। तो जब तक घर में आया तब तक मम्मी और दादी यहाँ पे बैठ रखे हैं भाई। और जिस टाइम मैं ना ड्यूटी से घर आया और मैंने गिफ्ट के बारे में बताया ना कि दीदी के लिए एक गिफ्ट लेके आ रखा हूँ, तो फिर मम्मी ने बोला कि मौसी की लड़की भी आ रही है तो उसके लिए क्या लेके आया तू। तो मेरे को पता नहीं था भाई कि मौसी की लड़की भी आ रही है। बाकी मैंने बताया था कि अनु अभी दोबारा जाएगा 18 तारीख को मार्केट ऊपर नाइटरी, तो उससे मंगा लूंगा भाई। अगर मेरे को पता होता तो आज लेके आ जाता बट मम्मी ने मेरे को आज ही बताया। बच गया बेटे आज बच गया। भाई साहब यहाँ पे दांत चुपा रखा भाई। तब तो उधर जाना है तुझे। तो गाइस जैसे खाना खाया तब तक मैं जैसे ही अंदर गया और मम्मी ने गेट खोला और ब्रोनो भाग गया था भाई। और बाघ आया जिसने ब्रोनो पे वार किया और ये देखो भाई पूरे दांत चुपा रखे हैं इस पे। तब तो तेरे को तो रात को भागने की पड़ी रहती है। यहाँ देखो भाई इधर भी दांत चुपा रखे हैं और इधर भी दांत चुपा रखे हैं और मम्मी अभी दवाई लगा रही है भाई। तो हमने इतना शोर मचाया अभी भी मेरी सांसें फूल रही है भाई। मतलब इतना शोर मचाया हमने तब जाके बाघ ने छोड़ा भाई। नहीं तो ब्रोनो भी गया था भाई आज। एक हमारा पहला कुत्ता था तो उसका नाम लकी था और वो भी बाघ ने वहीं पे खाया था जहाँ पे ये जा रखा था भाई। तो बाघ ने जैसे ना इस पे वार किया दांत चुभा रखे भाई। यहाँ पे भी दांत चुभा रखा है और यहाँ पे भी दांत चुभा रखा है और उसने शायद इसको फेंगा और जैसे दांत चुभाया ना वो अपने साथ ले जाने की तैयारी में था भाई इसको। बाकी तब तक हमने शोर मचाया सब नीचे चाचा लोगों ने और ऊपर भैया लोगों ने। तो उसके बाद बाघ ने छोड़ा भाई इसको। यहाँ देखो पूरा लथपथ हो रखा है भाई कीचड़ से। और इसको ना दवाई से बहुत नफरत है भाई। दवाई लगाने ही नहीं दे रहा और शायद उस पे ना जलन पड़ रही है जिसकी वजह से भाग रहा है। बाकी कालू अभी सदमे में है। ये यहाँ पे था और ब्रोन जा रखा था उधर साइड। तो कालू तो भौंक भी रहा है भाई और पूंछ को भाई नीचे कर रखी है। इसका मतलब बाघ अभी भी इधर साइड है भाई। बाकी मम्मी ने अब दवाई लगा दिया भाई और अब चुपचाप बैठ गया भाई। मतलब अभी भी डर लग रही है भाई इसको भयंकर वाली। और ना मम्मी जब दवाई लगा रही थी ना तो डर के मारे बाहर भाग रहे भाई और भौंक भी नहीं पा रहा भाई अब इतना डर गया है। तो गाइस रात के बज रहे हैं 9:30। तो अभी मेरी सांस फूल रही है भाई। ऐसे ही मैं अंदर आया था और जैसे ही ना ब्रोनो की आवाज सुनाई थी ना तो भाई उस टाइम ना कलेजा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या किसी ने कलेजे के ऊपर रख दिया है। बाकी हमारे साथ ये पहले भी हो चुका है। मैंने बताया था कि एक कुत्ता हमारा ऐसी था ब्रोनो की तरह व्हाइट कलर का ही था तो उसका नाम लकी था भाई। और वो भी ऐसी उधर साइड गया था और वहीं से उसको बाघ ले गया था भाई। तो अभी तो ब्रोनो ठीक है भाई। बाकी मैंने अपने दोस्त को कॉल की थी, मैं दोस्त से ही बात कर रहा था और पता ही नहीं लगा कि कब कब ये सब हुआ। और मैंने फोन जेब पे रख दिया था। मैंने बताया था कि कल हमने जाना है कहीं प्रोग्राम देखने हैं तो उससे बात कर रहा था और मैंने जेब में फोन रख दिया था और इतना भयंकर हल्ला मचाया मैंने कि मतलब सब लोग बाहर आ गए थे और सब ने हल्ला मचाया जिसकी वजह से बाघ ने ब्रोनो को छोड़ दिया था भाई। मतलब अभी भी भयंकर लग रहा है कि मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे बोल रहा हूँ, उस टाइम क्या हुआ कुछ पता नहीं चला मेरे को। फोन जेब पे रखा मैंने तो वो बात ही कर रहा था मेरे को कि क्या हो गया बोल के ना। तो हमारा ऐसा हो गया था कि
हम ना कुछ कर पा रहे थे, सिर्फ चिल्ला ही रहे थे हम, मतलब उधर जाना हो ही नहीं पा रहा था हमसे कि कैसे जाएं बोल के। जब वो आया तो फिर उसको देखने की रही कि बोल के तो पता नहीं कैसा है, बोल के काटा तो नहीं या फिर ज्यादा दांत तो नहीं चुभाए, बट हल्के से दांत बांध के यहाँ पे लग रखे हैं और यहाँ पे आपने अभी देखा होगा। तो मैंने बताया था कि हम कल जो आएंगे वो प्रोग्राम देखने, पहले तो हम बोल रहे थे कि रजाखेत जाएंगे, तो रजाखेत भी जाएंगे बट उससे पहले हम जाएंगे पौखाल। सब दोस्तों की डिस्कस हो चुकी है तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।